अम्बाला में 15 दिनों से प्रॉपर्टी डीलर प्रशासन के दफ्तरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी तहसीलदार व कभी डीटीपी की शिकायत लेकर डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, तो कभी एसडीएम कार्यालय में। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर प्रशासन से सरकार द्वारा नियमित की गई कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज एक बार फिर से प्रॉपर्टी डीलर इकट्ठे होकर डीसी कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसडीएम अम्बाला ने उनके साथ मीटिंग की। प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि नियमों में साफ लिखा है कि सरकार द्वारा पास की गई कॉलोनियों पर सेक्शन 7A लागू नहीं होती। इसके बावजूद अम्बाला शहर व कैंट के तहसीलदार जबरदस्ती 7A लागू कर रजिस्ट्रियां नहीं कर रहे, जिसके चलते जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि एसडीएम साहब ने जल्द अधिकारियों व प्रॉपर्टी डीलरों की मीटिंग बुलाकर इस समस्या का हल करवाने का आश्वासन दिया है। देखो, पिछले 1-1.5 महीने से अम्बाला जिले की जनता को दिक्कत आ रही है सेक्शन 7A के बारे में। सेक्शन 7A के सब सेक्शन 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कॉलोनी किसी भी कानून के तहत सरकार अगर रेगुलर कर देती है, किसी स्कीम के तहत रेगुलर कर देती है, सब सेक्शन 3 में स्पष्ट लिखा है, उस पर सेक्शन 7A लागू ही नहीं होती। लेकिन अम्बाला कैंट और सिटी के तहसीलदार की कोई पर्सनल इशू होगा, जिसकी वजह उन्होंने सेक्शन 7A नियमित कॉलोनियों पर भी लागू होगी। और एक ये लेटर है हरियाणा सरकार का, 19/12/2000 का लेटर है। इस लेटर में स्पष्ट लिखा है, जो कॉलोनियां सरकार ने रेगुलर कर दी, उन कॉलोनियों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की NOC की आवश्यकता है। ये लेटर सारे DC's को गया हुआ है। उसके बावजूद मेरे को समझ नहीं आ रही, हमारे देश को और प्रदेश को IAS और IPS लॉबी चलाती है। अगर IAS और IPS लॉबी कानून के अनुसार काम नहीं करवाएगी तो जनता के लिए बहुत अजीब पोजीशन हो जाती है। एसडीएम साहब को मिले, एसडीएम साहब ने हमारे को अच्छी तरह से सेटिस्फाई किया है। एसडीएम साहब ने बताया है कि ये जो सब सेक्शन 3 है, ये इस पे लागू नहीं होती है। और कहीं इन्होंने कहा है कि हम अपनी एक मीटिंग बुला रहे हैं, जिसमें कैंट का तहसीलदार, सिटी का तहसीलदार और DTP महोदय होंगे। इनसे एक डिस्कशन करके फिर हमारे को 2-3 व्यक्तियों को हमारे प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के साथ में बिठा के हमारी समस्या को सुना जाएगा। और इसको उन्होंने बोला कि इसी हफ्ते में इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के साथ मीटिंग के बाद SDM अम्बाला ने बताया कि जमीन के रजिस्ट्रियों को लेकर 7A NDC NCO के मुद्दे पर समस्या सामने आई है। जल्द ही संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर समस्या का हल करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे जैसे मीटिंग के दौरान पता चला है कि 7A के जो मैटर्स हैं, उसमें रेगुलराइज्ड कॉलोनीज में NDC NOC वाला इशू है, वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। एंड अभी रिसेंटली DTP से भी बात हुई, उसमें तो उनका कहना है कि थर्सडे को मीटिंग ली गई थी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की भी, एंड अभी आज DC साहब ने भी मॉर्निंग में ही मीटिंग ली है। तो मीटिंग के जैसे ही अपडेट पता चलेंगे, विद इन जल्दी से जल्दी ये काम स्टार्ट करवा देंगे, ताकि जो अम्बाला निवासी सिटी, कैंट, बराड़ा, नारायणगढ़ जहाँ से भी हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, एंड उनके जो कंसर्न्स हैं वो जेन्यून हैं, तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मैं जब तक मेरे को मीटिंग का आउटकम नहीं पता हो, तब तक मैं कुछ बातें तो नहीं कर सकता कि भाई ये तब सॉल्व कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बार मैं अभी तहसीलदार, सिटी, कैंट और DTP को मीटिंग रख के एक रिव्यू मीटिंग ले लेता हूँ, उनसे पता चल जाएगा कि भाई लेटेस्ट अपडेट क्या है उसमें, और जैसे ही जो गाइडलाइंस आ रखे होंगे उनको तुरंत तुरंत प्रभाव से, इवन अगर गाइडलाइन आ चुके तो आज से ही इम्प्लीमेंट करवा।